हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजर्ड और मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेके हमारे चैनल डिकोडर्स पे। यहां पे आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं, जैसे आर्चर क्वीन, जी हां फ्रेंड्स, मैंने ले लिया आर्चर क्वीन, दो एक्सपोज लग गए, ये विजर्ड टावर लग गया, फिर यहां पे ये एयर डिफेंस लग गई, माइंस और कलेक्टर्स तो आपके सामने लगा लिए थे, स्टोरेज आपके सामने लगा ली थी। मैंने जैसे कहा था कि अपग्रेडेशन थोड़े मिलेंगे, पर वो तब जब आपका सब कुछ बिल्ड हो चुका होगा, पर अभी हमारा सब कुछ बिल्ड नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बचे हैं दो डिफेंसेस जो कि हैं एक एयर स्वीपर और एक हिडन टेस्ला। तो इन दोनों को लगा लेने के बाद, जो कि इनके लिए स्पेस खाली छोड़ रखी है, ये यहाँ पे एयर स्वीपर के लिए जगह है, इसके आप देख सकते हैं ये स्क्वायर जो यहाँ पे एक टाइल दिख रहा है, ये एयर स्वीपर की जगह है और हिडन टेस्ला की जगह है, कहाँ गई, ये रही फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा हिडन टेस्ला, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। सो यहाँ पे हिडन टेस्ला जाने के बाद हमारे सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम लोग जितनी चीज़ें हमने लगाई हैं उनको पहले हम TH8 मैक्स करेंगे, फिर हम उन सबको 9 पे ले जाना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आयुष नेगी है जो कि हमारा फ़ैन है, मेरे को पहली बार में बिलीव नहीं हुआ था कि हमारे भी फैंस हो सकते हैं, बट यस हमारा फ़ैन है, इसको ग्लोबल पे अनबीटेबल ने इनवाइट किया था हमारे क्लान में आने के लिए और ये आ गया, उसने हमारे वीडियोस देखे और ये बहुत तारीफ़ कर रहा था, मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया आयुष नेगी, आयुष नेगी बहुत ऊपर तक बात हुई है। ओके फ्रेंड्स, वो वाला चला गया पार्ट जहाँ पे इसने तारीफ करी थी, बट कोई बात नहीं, हाँ ये हमारा फैन है। तो हम यहाँ क्लैन वॉर आज डिस्कस करने वाले थे कि मैं किस पे अटैक करूँगा, कितने लोगों ने ऑलरेडी अपना अटैक मार्क कर दिया कि वो लोग उस पे अटैक करेंगे, और प्लीज़ मेरे को आप कमेंट्स में बताइए कि मेरे को अपनी आर्मी क्या ले जानी चाहिए, और बताइए कि मेरा बेस सही है कि नहीं TH9 के हिसाब से, और अभी मतलब वॉल्स वगैरह में सब अपग्रेड कर दूँगा, डिफेंसेस वगैरह, हाँ बट बताइए लेआउट उसका सही है कि नहीं, और जैसे मैंने कह दिया मेरे को आर्मी बताइए मेरे को क्या चाहिए, ये क्लेमोंट विजर्ड यानी मैं, अरित 777 मेरा क्लासमेट है, अनबीटेबल आप जानती हैं, आयुष नेगी हमारा फैन, JSJSLSW आप जानती हैं, इनक्रेडिबल अनबीटेबल का दोस्त, लूसिफर है योर फादर का भाई, और प्रो लाइक मी है क्लेमोंट का भाई। और चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है यहाँ पे इनके सारे, ये जो इनके हैं क्लान में हमारे अपोनेंट्स, और अब देखते हैं किसी ने क्या अपना अटैक, हाँ ये अटैक मार्क हो रखा है यहाँ पे MVP_Kellen पे, नहीं अंडरस्कोर नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट Kellen पे, देखते किसने करा है, आयुष नेगी, ओके आयुष नेगी ने 8 पे MVP.Kellen पे कर रखा है अपना अटैक मार्क, और हम मोस्ट प्रोबली सेकेंड थर्ड पे करेंगे, चलिए स्काउट कर लेते हैं थर्ड को पहले, सो फ्रेंड्स हमारा बेस आ चुका है और सबसे पहले हमें CC देखनी है, CC ये है यहाँ तक, सो हमें पहले एक ट्रूप डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो कि फ्रेंड्स आपके हिसाब से मैं पूरी आर्मी लेके जाऊँगा, इस बार की क्लैन वॉर जो होगी हम जीते चाहे हारे, मैं ये क्लैन वॉर पूरी की पूरी आपको दिखाने वाला हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जीते या हारे, बट ये क्लैन वॉर होगी, लाइव होगी और इसके अपडेट्स आपको मिलेंगे, लाइव तो क्या बट हाँ इसको इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस थोड़ा आसान है जो कि सही है, और ठीक है एक तो ये हो गया हमारा, हम इस पर अपना मार्क कर देते हैं अटैक क्लाउडिंग, सो इस पर हम अपना टारगेट क्लेम कर देते हैं, क्लेम हो चुका है हमारा टारगेट यहाँ पे, और हम सेकेंड स्काउट कर लेते हैं जो कि है, अरे चला गया, जो कि है कॉलमेट 2001, ओके कॉलमेट 2001, ओके फ्रेंड्स इस बेस पे हमें एक स्टार तो बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एक्सपो है और क्वीन नहीं है इसके पास, जी हाँ फ्रेंड्स क्वीन नहीं है इसके पास, इसका किंग भी लेवल 7 का है, तो
चाहिए कि नहीं? अगर आप बोलेंगे हाँ तो मैं इस पर अटैक कर दूंगा, क्योंकि एक स्टार वाले इस पर 101% एक स्टार मिल जाएगा और इसकी सीसी देख लेंगे हमने, पर कोई बात नहीं। चलो जुआन देखते हैं जो कि है ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स, जिसमें हो सकता है हमें मिल जाए 3 स्टार, बट इसमें हम सीसी नहीं चेक कर सकते। सो